नमस्कार, भारत न्यूज टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अर्का सेक्टर 3 केला गोदाम वाली गली फेस वन में करवाए गए होली मिलन समारोह में ख्याली हास्य कलाकार ने अपने कॉमेडी के जरिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हंसी का रंग बिखेरते हुए एक हास्य रंगमयी समय बांध दिया। मीडिया समक्ष बोलते हुए ख्याली हास्य कलाकार द्वारा निर्दलीय भावी निगम प्रत्याशी कुमकुम दीदी के बारे में रखे गए विचारों से ख्याली हास्य कलाकार से आपको अवगत करवाते हैं। ख्याली जी मेरे तो भाई हैं और इनको हमने बुलाया है और बुला रहे थे काफ़ी समय से, और आज किस्मत ने मौका दिया तो ये आए हुए थे यहाँ पे। तो अभी होली का माहौल चल रहा है, होली आने वाली है। अभी हमने एक रंगारंग कार्यक्रम होली के लिए भी करवाया था, होली मिलन समारोह, और आज भी इसी तरह से हमने इनको बुलाया, खूब सारी मस्ती करी, सारी जनता आई, सब क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सबने फोटोज ली इनके साथ, खूब इंजॉय किया और इस कार्यक्रम को मनाया। और इन्होंने जो शुभकामनाएं मुझे दी हैं तो मैं जनता से भी यही अपील करूँगी, तो इस बार एक समाज सेवी को अपनी बहन को आगे बढ़ाएँ, उसको विजयी बनाएँ, उसका साथ दें, उसका सहयोग करें। सर, ये इस तरह के सोशल प्रोग्राम काफ़ी कुमकुम जी करते हैं द्वारका में। कभी किसी गरीब मजदूरों के आँखों का इलाज कराना हो, किसी के बच्चों की पढ़ाई को लेके हो, कभी किसी का कोई ऑफिशियली काम लाइक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई समस्या है, तो इस तरह के आयोजन अक्सर साल में 3-4 बार ये करवा लेते हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। तो आज मैं एक शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली आया था, जब मुझे समाचार मिला तो मुझे इनविटेशन मिला तो मैं भी आया। हालांकि मैं अक्सर ऐसे आना जाना, मेरा कुमकुम जी के घर आता है, ये मेरे आदरणीय भाभी जी हैं, आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहली बार ही ये हुआ कि हम पूरे मोहल्ले के सोशल प्रोग्राम में भी मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। तो मैं पूरे द्वारका वासियों को और कुमकुम जी को, आप सब मीडिया वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहें, जहाँ हम पुलिस प्रशासन की सपोर्ट करें, आम लोगों को हम जागरूक करें। सागर, सागर की मम्मी जान कहीं भी हो, सागर को संभाले, वो उफंड रहा है, लहरें बाहर आ रही है सागर की। और मम्मी एक ऐसी चीज है जो बेटे को संभाल सकती है, बच्चे को, बच्चा तो बच्चा, बच्चे के बाप को भी संभाल लेती है। तो मैं एक जगह क्लास में बता रहा था कि परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोले नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, आप रेलवे स्टेशन से सोए, आपने कैसे खुश रखा अपने आप को। तो मगर जी मैं चौड़ा होकर जाता था स्टेशन पर, भी स्टेशन मेरे बाप का है और मैं जहाँ मर्जी जिस कोने में सो जाता था। रात को पुलिस वाले आते, चेक करते, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देते। मैं सोचता चलो छोड़ो, अपने कौन सा बाप का, इतना अच्छा है खुश रहने के लिए। फिर मैं कहा मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा। मैं स्टेशन पे सोता था, अखबार बिछा के सोता था, पर मैंने कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम। फिर नीचे सोना है, अखबार बिछा के सोना है तो कम से कम अंग्रेजी का तो बिछाए। और संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे अखबार में इतने हीरोइनों की फोटो छपके आती थी, राइट में बिपाशा बसु, लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा, कभी मैं इधर लड़ाई ले रहा हूँ, कभी इधर लड़ाई ले रहा हूँ। मैं क्यों टेंशन लूँ कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरे कोई हीरोइन पे पैर न रख जाए। तो भगवान जिस परिस्थिति में रखे वहाँ हमेशा आप खुश रहना सीखिए, यही सबसे अच्छा कामयाबी का राज है। दिस इज द मोटिवेशन स्पीच। ये और आपको नया पता लगा होगा, देख लो।